तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यूट्यूबर निशु तिवारी को तो आप लोग जानते ही होंगे, तो इन्होंने एक सीरियस बात शेयर की है हमारे साथ। जी हाँ गाइस, अपनी वीडियो में हमेशा मौज मस्ती करने वाली, शैतानी करने वाली चुलबुली निशु तिवारी की हेल्थ अभी इस टाइम पर ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और कल उनकी एक सर्जरी भी हुई है। सर्जरी मतलब ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन किस चीज का हुआ है वो तो उन्होंने नहीं बताया, पर उन्होंने एक पोस्ट लिखकर बताया कि हे एवरीवन, मुझे आपके साथ कुछ पर्सनल चीज़ शेयर करनी है। आज मेरी सर्जरी हुई है और मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई है कि एक क्रिएटर बनना हमेशा उतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। रेगुलर हर हफ्ते वीडियो अपलोड करने में हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने हेल्थ का ध्यान रखना ही भूल जाते हैं। और जैसे ही इस चीज़ को मैंने रियलाइज किया और इसके लिए जो भी जरूरी चीज़ें हो सकती थी मैंने की। आगे निशु ने लिखा, आप सब भी हेल्थ को प्रायोरिटी पर रखो एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद मी थ्रू एवरीथिंग। वैसे तो निशु की इस पोस्ट पर सभी गेट वेल सून का मैसेज कर रहे हैं, पर निशु तिवारी का कंटेंट तो आप सभी को पता है। अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये प्रैंक हो सकता है, तो निशु ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरी शेयर की इसी के रिलेटेड। निशु ने एक स्टोरी में लिखा कि सही में बीमार हूँ, कोई नई वीडियो का कॉन्टेंट नहीं है। और निशु यहाँ पर हॉस्पिटल में अपनी सर्जरी से पहले थोड़ा सा डांस करते हुए दिखाई थी, पर लास्ट टाइम पर थोड़ा सा इमोशनल होते हुए निशु ने एक स्टोरी लगाई और लिखा कि सिर्फ ट्रेवल फैशन मजे देखते हो क्रिएटर के स्टोरीज में, आप थोड़ा सा दुख भी बांट लो। और इस वाली स्टोरीज में निशु रोते हुए हमें दिखाई दे रही। तो गाइज, आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या ये एक प्रैंक है या रियल में उनकी सर्जरी हुई है? वैसे तो सारी स्टोरीज को देखकर यही लगता है कि निशु की वाकई में सर्जरी हुई है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। गाइज, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ। बाय।